हेलो भैया, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैक। आखिर मैक का हिंदी क्या होता है? देखिए, ये पार्ट वन है। इसका मतलब है कि इसमें केवल हम एक ही मीनिंग देखेंगे, और भी इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो अलग अलग पार्ट में उन सभी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मैक का मीनिंग होता है वो होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, मतलब किसी चीज को बनाना, बाय पुटिंग मतलब रखकर मटेरियल, यानी अलग अलग मटेरियल को एक साथ रखकर, टुगेदर यानी टू प्रोड्यूस समथिंग बाय पुटिंग मटेरियल्स टुगेदर, मतलब अलग अलग मटेरियल को एक साथ रखकर जब हम कोई नई चीज बनाते हैं तो उस केस में हम मैक का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई कैन मेक अ केक, मतलब मैं केक बना सकता हूँ किसकी मदद से, विथ फ्लोर एंड सुगर यानी आटे और शक्कर की मदद से मैं केक बना सकता हूँ। तो यहाँ पे दो मटेरियल की हेल्प से मैं क्या बना रहा हूँ, केक, इसलिए मैंने यूज किया मैक। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आई मेड अ ब्यूटिफुल डोरमेट, मैंने एक बहुत ही सुंदर डोरमेट बनाया, इसे क्या बोला जाता है, पायदान, जिससे हम पैर वगैरह पोछते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे मैट यानी मैक की पास्ट फॉर्म का यूज किया, तो जरूर ये डोर मैट किसी ना किसी चीज से बना होगा। हमने यहाँ पे उन चीजों को बताया नहीं, लेकिन ये जरूर दो या तीन चीजों से मिलकर बना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मैट, क्योंकि मैक की पास्ट फॉर्म है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल मेक लंच फॉर यू। अब देखिए लंच कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज उठाई और वो लंच बन गया, दो चार आठ चीज मिला के आप लंच बनाते हो, इसलिए हमने यहाँ पे मैक का यूज किया, और इसका हिंदी हो जाएगा आई विल मेक लंच फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए लंच बनाऊंगा। आई विल मेक लंच फॉर यू मतलब मैं तुम्हारे लिए लंच बनाऊंगी या बनाऊंगा। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस चेयर, किसी पर्टिकुलर चेयर की बात हो रही है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये चेयर है ये किस चीज की बनी हुई है, वुड की, लकड़ी की, प्लास्टिक की और आयरन की यानी लोहे की, यानी तीन मटेरियल का यूज करके हमने क्या बना दिया है, चेयर। तुम्हें बताया गया है कि ये जो चेयर जिसने भी बनाई है, तो ये चेयर किन किन चीजों से मिलकर बनी है, लकड़ी से, प्लास्टिक से और आयरन से। तो यहाँ भी अलग अलग मटेरियल से एक चीज बनाई गई, इसलिए यहाँ पे मैट का यूज किया, जो कि थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे हमने यूज की। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको मैक का एक हिंदी मीनिंग समझ में आया होगा। इसका जो दूसरा हिंदी मीनिंग होता है उसको हम देखेंगे पार्ट टू में, तो आप पार्ट टू जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।